नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज़। और इस एजुकेशनल न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, और यहाँ पे अपना व्हाट्सअप को मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के और लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेक है चैनल आपका, आपका वेबसाइट फेक है, सब कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो भी हो, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले अभिषेक बिहार बोर्ड, इनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे 2:23 सुबह में ही भेज दिया था डाउनलोड करके। तो आपको हम बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि किस स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ऐसे तो हम अभी कुछ देर के बाद आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से, जिसे मेरा फेस टू फेस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक किसी का रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है। वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों, और लगातार देखिए यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर आ रहा है। अभी थोड़ा देर जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए इनको भी मैंने 2:01 पर ही रिजल्ट इनका भेज दिया था। उसके बाद से फिर देखिए दोबारा से इन्होंने अपना रोल कोड रोल नंबर देना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली कई सारे स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, थोड़ा सा आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे रिजल्ट को चेक करना है। सबसे पहली बात, अगर आपका रिजल्ट चेक करते टाइम नहीं बताता किसी कारण से, तो आपको परेशान नहीं होना, दूसरे ब्राउजर से ओपन करना है, ठीक है, या फिर आप उसका वहाँ पे कैंसिल कर दो और उसके बाद किसी भी तरह से मतलब फिर से आपको ओपन करना है वेबसाइट को। मेरे कहने का मतलब ये है, भी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाऊंगा। और ये देखिए अभी तुरंत एक मैसेज आया है, इनको मैंने रिजल्ट पहले ही भेज चुका है। और अभी जो नया नया मैं यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा, अगर किसी कारण से उनका रिजल्ट नहीं शो होता है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि 2223 लगभग स्टूडेंटों का रिजल्ट पेंडिंग में जा चुका है, जो रोल नंबर OMR कुछ भी मतलब गलतियाँ किए होंगे वहाँ पे। तो उसके लिए भी मैं प्रोसेस बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, जो थोड़ी देर के बाद वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, रात तक आपको मिल जाएगा 9 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली एक ब्राउज़र ओपन कर लेना, अभी तो ये व्हाट्सअप यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करके रखा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, ASR या technicaltutorial.ml कहीं से भी आप देख सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ technicaltutorial.ml जो वेबसाइट है। टेक्निकल ट्यूटोरियल के नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना भी टेक्निकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा आप यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद इस इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। अभी दोनों में प्रोसेस बता दूंगा, सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, और यहाँ से उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर पे कर देना, किसी भी लिंक पे क्लिक हेयर कर देना। आपको सपोज सबसे ऊपर वाला पे करता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे करोगे तो उसके बाद ये आपका खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका ये बैक नहीं होता, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, किसी का यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड ले लेते हैं। जैसे कि इस स्टूडेंट का मैंने 2 बजे भेजा था, और ये रोल कोड रोल नंबर नया नया फिर दे रहे हैं। तो इसका रोल कोड है 310-70, ओके। तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ 310-70, ठीक है, 310-70, ओके। रोल नंबर इनका है दोस्तों 181-0386, 181-0386, 181-0386। अब यहाँ पे मैं इसको सर्च कर देता हूँ, देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, रिजल्ट इनका फेल है। और यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि मैं अपने फ़ोन से इनका कैमरा से यहाँ पे फ़ोटो ले लूँ, ताकि मैं बाद में इसका रिजल्ट अगर किसी कारण से शो ना हो, ऐसे तो जिसका रिजल्ट एक बार शो हो रहा है उसका रिजल्ट शो ही हो रहा है, और ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, इसलिए मैं एक बार फ़ोटो ले लेना चाहता हूँ ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो तो अभी हम आपको बता रहे हैं क्या प्रोसेस है, क्यों नहीं रिजल्ट दिखा रहा, सब कुछ क्लियर करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए बैठे हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है माइंड में, कि कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि यार मतलब कैसे रिजल्ट चेक करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अभी मैं इसको एक बार यहाँ से अपने फ़ोन के व्हाट्सएप से इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, वहाँ पे भी सेंड लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने व्हाट्सएप से इनको भेज दिया इनका रिजल्ट, और यहाँ पे देखिए अभी इनको यहाँ पे शो हो जाएगा, 4:11 मैंने भेज दिया है, और यहाँ पे इनका यहाँ पे आ गया है, देख सकते हैं। व्हाट्सएप का भी मैं आपको दिखा रहा था कि आपको कोई डॉट ना हो मन में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। अभी मैं दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करूँगा लेकिन वो रिजल्ट नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा उसका भी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। देखो, टाइम पास इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान इस चीज़ को लेकर, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा चैनल नया है और मेरा हेल्प करने का तरीका थोड़ा सा अलग है दोस्तों। और ही यूट्यूब के चैनल नहीं है कि जब मैं रोल को रोल फिलअप हो तो उसका वीडियो को पॉज कर दूँ और रिजल्ट नहीं आया,
आया तो अच्छी बात है, फिर जब आया तब वहाँ से ऐड कर दो वीडियो को, ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने ही सर्च करूँगा आपके सामने ही रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा वो आपका रिजल्ट है दोस्तों, बिहार बोर्ड है मेरा, उससे कोई रिलेशन भी नहीं है कि मैं उसको बचाऊँगा। तो बस एक बार जान जाओ कि ये इन्फॉर्मेशन देखो मैंने यहाँ पर दिया, ब्लू टिक भी इनका लग चुका है, और यहाँ पर मैं कुछ मैसेज टाइप कर देता हूँ इनको, ताकि आपको यहाँ पर यकीन भी हो जाए कि हाँ रियल में इनका व्हाट्सअप यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पे मैं कुछ मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, इनको मैसेज कर देता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करके बताते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहीं पे अब हम इसको बैक करते, नहीं, सबसे बड़ी गलती ये मत करना कभी भी, ठीक है। अगर फ़ोन से खोल रहे हो या लैपटॉप से खोल रहे हो, फ़ोन से बहुत कम ही खुल रहा है, लैपटॉप से यूज़ किया करो, तो किसी के पास होगा अगर आस पास सही है। और मेरे पास टाइम उतना नहीं रहता कि मैं एक एक करके सबका रिजल्ट चेक करूँ, मैं रियली बता रहा हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारा काम रहता है मुझे। तो अब हम आपको बताते हैं अपना वेबसाइट से कैसे चेक करना है, ठीक है। तो ASR SSC गुरु जो मेरा चैनल का नाम है, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उसका यहाँ पे कीजिए, और लिंक वैसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे सिंपली आपको खोल देना है, और खोलने के बाद यहाँ पे नीचे एक सेक्शन आएगा दोस्तों ऑल बोर्ड्स का, ठीक है। ऑल बोर्ड्स में आपका यहाँ पे बिहार बोर्ड का BSEB 10th कंपार्टमेंटल रिजल्ट, 12th का भी मैंने पोस्ट किया था, तो यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा, और यहाँ पर देखिए मैट्रिक कंपार्टमेंटल रिजल्ट इतना सारा लिंक है, किसी भी एक लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे रेंडमली मैं किसी भी लिंक को यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, फिर से आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ही किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर रोल कर देते हैं, जो बहुत समय से परेशान है, इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट है अभिषेक, 2:23 नंबर दिया था, अभी ऑनलाइन भी है, और अभी दोबारा से ये अपने रोल को रोल नंबर दे रहा है, इसी रोल नंबर को वहाँ पर फिलअप करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, ठीक है। सब कुछ आपके सामने रहेगा, मैं वीडियो को पॉज भी नहीं करूँगा, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यार, तो इसमें वीडियो पॉज करने की क्या जरूरत है। आप भी एक मेरे भाई की तरह हैं, मैं भी एक भाई की तरह हूँ आपका, तो इसमें पॉज करके आपसे क्या सर माना कि यार वीडियो रिजल्ट नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, साइट का प्रॉब्लम होगा, नहीं आएगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि इनका रिजल्ट यहाँ पर, तो आपके क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसका रोल नंबर रोल कोड देखता हूँ मैं, तो 510-92 इसका रोल कोड है, यहाँ पे मैं फील करता हूँ 510-92, ओके 510-92, ओके। अब यहाँ पे इनका रोल नंबर मैं ले लेता हूँ, यहीं से व्हाट्सएप में मुझे जाना पड़ेगा, और रोल नंबर इनको है दोस्तों 1800148, ठीक है, 1800148, 1800148, ठीक है। आई होप ये सही होगा रोल नंबर, दोबारा देख लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा फिर बाद में अगर नहीं होगा तो। चलो सही है, हमको जाना है यहाँ पे अब सर्च पे, ये सर्च जो आपको दिख रहा है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता हो गया होगा, और यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट नहीं शो हुआ, वापस से सब कुछ ब्लैंक हो गया, जो मैंने यहाँ पे फिल किया था रोल कोड रोल नंबर सब कुछ ये ब्लैंक हो गया। दोस्तों ये कैसे हुआ, आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, तो यही चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि 2223 लगभग स्टूडेंटों का रिजल्ट पेंडिंग में जा चुका है, इसका ना उसका रिजल्ट नहीं शो रहा है। अब हम आपको एक और स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाते हैं, जिसका रिजल्ट हम लोग पहले ही चेक कर लिए थे, ठीक है। अभी तो ये रिजल्ट का मैंने रैंडमली उठाया था, जो इन स्टूडेंटों ने भेजा था, लेकिन यहाँ पे इसका जो नंबर पर फ़ोन कर लेना कि भाई तुमको अभी मार्कशीट गया है नहीं गया, चैनल की तरफ से जो रिप्लाई आपने किया था मैसेज वगैरह कुछ हुआ है, देखो यहाँ पर नंबर भी शो हो रहा है, कर लेना कॉल, दोस्त लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखिए अभी और हम आपको बताते हैं कि अभी कुछ ऐसा स्टूडेंट का यहाँ पर लेते हैं, जो स्टूडेंट लगभग लगभग यहाँ पे मतलब इसका रिजल्ट मैं एक तरह से भेज चुका हूँ, ठीक है उनको। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट को लेने का, यहाँ पे एक मिनट आप वेट करो। तो देखिए चलो यहाँ पे इसका लेता हूँ मैं, ठीक है, देव 1C24 जो भी इनका नाम था व्हाट्सएप इससे मैंने सेव किया था, और यहाँ पे देखिए इन्हों थैंक यू सो मच भैया, और यहाँ पे मैंने इनको रिप्लाई भी किया था, आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, और रिजल्ट भी दोस्तों मैंने यहाँ भेजा था, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये था मतलब अपडेट। अब इसका रोल नंबर यहाँ पे मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आई होप सब कुछ क्लियर दिखेगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा जा सकता है, तो आप लोग परेशान मत होना प्लीज़, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल नया है दोस्तों सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट देखो इन्होंने जो भेजा था, ये देखो यहाँ पर रोल को रोल नंबर 2:23 PM में भेजा था, ठीक है। मैंने बोला था वेबसाइट स्लो हो गया यार सॉरी, और उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने जब चेक करना स्टार्ट किया था रात में अचानक से, क्योंकि देखो यार हेल्प करने का मेरा नेचर बचपन से ही है, ठीक है। तो ये चैनल के माध्यम से क्या हो मतलब, अगर आप रियल में भी कॉल फेसबुक फ्रेंड होते फिर भी मैं आपको कर देता मदद, अगर मुझे वो चीज़ आता है तो। यहाँ पर देखिए मैंने इनका रिजल्ट भेजा था 2:23 पर, ठीक है, ये मैंने लिंक भेजा था अपना, और उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने बोला सुबह उठ के देखा इन्होंने 5:56 पर इनको सरप्राइज़ मिल गया कि रिजल्ट मेरा देख दिया इन्होंने, ठीक है। तो
अब हम इनका रिजल्ट यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं, आपको लगेगा कि यार क्या हो सकता है, फेक भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, तो देखो इस ब्राउज़र पे नहीं जाना है, गलती आप लोग क्या कर रहे हो कि अगर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो फिर से इसी पे इंटर कर रहे हो, इस पे नहीं इंटर करना, इसको अब फिर कैंसिल कर देना है आपको, और फिर से यहाँ पे आपको ये भी कैंसिल कर देना है, इसमें हमने देखा था। और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज़र को नया ओपन करना है, asrssguru.com लिखना है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑल बोर्ड का सेक्शन, सिंपल सा दो स्टेप है दोस्तों। और प्लीज़ अगर आप लोग ऐड यहाँ पे जो चल रहा है दोस्तों, इस ऐड पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप ऐड पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जितने भी विजिटर आते हैं कभी भी गलती से आते हैं ऐड पे ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि हम मेरा साइट का रैंकिंग थोड़ा बढ़ पाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्टली जा रहे हैं हम, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, अभी हम यहाँ पे फिर से क्लिक हेयर पे करते हैं, आ गया है यहाँ पे मेरा सब कुछ। और अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, इस स्टूडेंट का जिसका मैंने रिजल्ट ऑलरेडी पहले से चेक कर लिया, ठीक है, 740-53 रोल कोड है इसका, यहाँ पे हम फिल करते हैं 740-53, ओके। और यहाँ पे फिर से हम इसका रोल नंबर ले लेते हैं, तो रोल नंबर है 181-049, ओके, 181-049, ओके। एक बार फिर से यहाँ पे हम मैच करवा लेते हैं, क्या कुछ सही इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप किया है, तो चलो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सर्च पे कर देना है क्लिक, देखो सर्च पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट इसका आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट भी इनका पास बता रहा है। जो स्टूडेंट परेशान है कि रिजल्ट कैसा रहता है, तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है और रियल है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए था कि आपका अगर बिहार बोर्ड का नहीं आ रहा है ऑफिशियली साइट पे कुछ भी अपडेट वगैरह कि क्यों नहीं रिजल्ट हो रहा है, तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंटों का हम लोगों ने रिजल्ट चेक किया अभी, ठीक है, उतना देर का ये वीडियो था। तो मैंने क्या पाया कि वैसे स्टूडेंट जिस जो सब कुछ सही सही फिलअप किए हैं उसका रिजल्ट आ चुका है, उसका रिजल्ट नेट पर, किसी कारण से किसी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग हो चुका है, और 2000 कुछ समथिंग स्टूडेंट है, उतना भी डाटा मुझे याद नहीं है, 2223 लगभग है मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मतलब उतने के आसपास मैंने पढ़ा था कहीं आर्टिकल में। तो यही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए, उनका OMR का स्कैन कॉपी डाल दीजिएगा वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड कीजिएगा, जैसे ही 12th का मैंने वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पे फिर आपका कुछ एक डेट दिया जाएगा, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर रिजल्ट दे दिया जाएगा, आपको नेट पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका वीडियो, इसमें वीडियो मैंने आपसे यही बताया कि काफ़ी लोगों का रिजल्ट आ दिख रहा है, काफ़ी लोगों का नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर साइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एक बार अगर आप देख लेते हैं, सपोज दैट आपका पूरा ब्लैंक बताता है, तो फिर आप उस टैब को कैंसिल कर दीजिएगा, मतलब रिजल्ट देखना है टैब कैंसिल करना है। जो स्टूडेंट लैपटॉप से देख रहे होंगे या फिर किसी साइबर कैफे वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट देखना है टैब को कैंसिल कर देना है दोस्तों, क्योंकि अब ऐसा प्रॉब्लम इसलिए मैं बता रहा हो रहा है क्योंकि साइट पे बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग सिस्टम से जा रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क से जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है। उसके कारण से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अपना साइट को कैंसिल करके नए सिरे से आपको फिर से वहाँ पर तक पहुँचना है। तो सिंपल सा स्टेप, मेरा चैनल का नाम asrssguru.com, ऑल बोर्ड का वहाँ पर सेक्शन है, फर्स्ट में क्लिक करना है, क्लिक हेयर 3 बार क्लिक करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा दोस्तों। और अगर आपके किसी कारण से रिजल्ट नहीं है, तो समझ लेना आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों हमारा चैनल बिल्कुल ही नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियली साइट asrssguru.com पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों जो टेक्निकल tutorial.ml साइट है, इस पर आपको टेक्निकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप यहाँ पे भी आके विजिट कीजिएगा। हो सकता है ये आपको लगेगा यार सिर्फ मेरे काम का यहाँ पे यही है, ये भी आपका काम का है पूरा सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ, आपको जियो फोन से रिलेटेड जितना भी ट्रिक्स है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक बार आके आप इस पूरे ब्लॉग को रीड कीजिएगा जो जो यहाँ पे लिखा गया है, आपको उम्मीद है ये सब पसंद आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।